हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर योगेंद्र सिंह। बायोलॉजी योगी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, साइटोलॉजी, जिसका दूसरा नाम भी है सेल बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। साइटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल्स की। साइटोलॉजी जो वर्ड दिया था वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हर्टविग ने ये टर्म दिया। हर्टविग साइटोलॉजी के अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं वो सेल्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन, जेनेटिक्स एंड सेल के ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वर्ड है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत केवल हम सेल्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले साइंटिस्ट हैं आपके स्वानसन। स्वानसन साइंटिस्ट को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा गया। इसके बाद साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कॉर्क स्लाइस को, एक थिन स्लाइस ली जिसको इन्होंने सेफ्रिनिन नामक स्टेन से स्टेन किया और सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा कि स्लाइस के अंदर एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इनको माइक्रोस्कोप में नजर आती है, जो जिसमें छोटे छोटे चैम्बर्स थे और इन चैम्बर्स को इन्होंने एक शब्द दिया सेलुली, जिसे बाद में सेल कहा गया। इन डायग्राम्स को इन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में डिस्क्राइब किया। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं आपके नेक्स्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व की लिविंग सेल, लिविंग सेल्स जिसमें प्रोटोजुआ, आरबीसी, स्पर्म, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। इन्होंने प्रोकैरियोट्स क्यूरोटिक सेल्स को एक नया नाम दिया, नाम है वाइल्ड एनिमल कुलस। ये टर्म दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं स्वा मर्डन, जिन्होंने सबसे पहले सेल्स को डिस्क्राइब किया। वो सेल्स थी आरबीसी और फ्रॉग। फ्रॉग की आरबीसी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया स्वामार्डन ने। इसके बाद साइंटिस्ट हैं मेल पिगी, जिन्होंने सेल्स को एक नया नाम दिया, वो टर्म था
यू ट्रिक इट, ये वर्ड दिया गया शब्द प्लांट सेल्स के लिए दिया गया यू ट्रिक इट। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है डिट्रोचैट, इन्होंने सेल्स की इंडिविजुअलिटी का आइडिया दिया। इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की स्टडी, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया, किसमें किया था और चेक की रूट सेल्स में, ऑर्चिड की रूट सेल्स में इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। इसके बाद साइंटिस्ट हैं परकिंजे, परकिंजे जिन्हें सभी जानते हैं, इन्होंने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जितना भी पदार्थ है उन सभी पदार्थ को एक नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म, जो जेली लाइक होता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हक्सले, ये कंपटीशन बहुत आता है इनका क्वेश्चन, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को कहा इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का फिजिकल बेसिस है, ये वर्ड दिया हक्सले ने। ये आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है, जिसके अंतर्गत अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक तो रॉबर्ट के माइक्रोग्राफिया की बात करते हैं, एक बात करते हैं कि डेड सेल्स देखी गई थी कॉर्क के अंदर, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी थी इसकी बात करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका परकिंजे प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया, एक ये भी है आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा हक्सले ने। तो ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद आते हैं हम सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो सेल थ्योरी है उसका आइडिया दिया गया डिट्रोचैट, गिविंग द आइडिया सबसे पहले सेल थ्योरी का आइडिया दिया था डिट्रोचैट ने, है जी डिट्रोचैट। इसके बाद दो साइंटिस्ट हैं स्वान एंड सिलिडेन, स्वान एस एच स्वान, स्वान एंड सिलिडेन, स्वान सिलिडेन, इन्होंने इसमें क्या था, स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है और सिलिडेन जो है बॉटनिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर के जब अलग अलग स्टडी की तो ये पाया कि सभी जीव जंतु चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों सभी एक यूनिट है सेल, उससे मिलकर बने होते हैं, और उनकी स्टडी करने के बाद इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को दिया। तो इसके सेल थ्योरी को जो दिया इसमें कुछ पॉइंट उन्होंने रखे थे, सेल थ्योरी
जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने में रख रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि सेल्स जो होती है वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। ऑफ लाइफ यानी आधार इकाई और संरचनात्मक इकाई इन्होंने बोला। नंबर टू, इन्होंने ये भी बताया कि सभी सेल जो होती हैं लगभग सिमिलर होती हैं। किसमें सिमिलर होती हैं? केमिकली सिमिलर होती हैं एंड मेटाबॉलिकली सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ सभी सेल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशन लगभग बहुत समान होता है, उसी प्रकार उनके अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म जो पढ़ दिया था वो दिया था श्वान ने, और इसके अंदर दो ही रिएक्शन आती हैं, एक आती है कैटाबॉलिक और एक आती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल है सबसे अच्छा रेस्पिरेशन। इन दोनों में क्या है कि कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन होता है कंपोनेंट्स का बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर, और एनाबॉलिज्म में सेल्स की ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ होती है, यानी ये सिंथेटिक और ये आपका ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जिसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है CO2 वगैरह में, तो कैटाबॉलिज्म क्रिया है और सभी जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं वो सारे रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नंबर थ्री, इन्होंने ये भी बताया कि सभी जीव जंतु चाहे यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सभी जीव जंतु सेल्स के सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल्स होती है, मल्टीसेलुलर जो बहुत सी सेल्स के सेल से मिलकर बना होता है। और क्या होता है, इन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा कि सेल्स जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वर्क करते हैं जब उनकी सारी सेल्स एक दूसरे से कॉम्बिनेट करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। तो इस बात को भी लिखते हैं हम, सभी सेल्स क्या करती हैं मल्टीसेलुलर के अंदर, कम्युनिकेशन टू ईच अदर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी सेल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं। नंबर फाइव, ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है, फंक्शन वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन या कह सकते हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। यानी कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शन जब करता है जब उसकी बॉडी के अंदर सभी सेल्स आपस में इंटरेक्शन करें और एक्टिविटी भी उनकी रहे। यानी कह सकते हैं जैसे हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में बहुत सी सेल्स मिलकर के वर्क करती हैं, तब हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, मस्कुलर सिस्टम काम करता है, हमारा मूवमेंट जो होता है सभी प्रकार की सेल्स के कम्युनिकेशन से होता है। यानी मस्कुलर सेल्स भी और नर्वस सिस्टम की सेल्स भी सभी प्रकार की सेल्स मिलती हैं, तभी हमारा जीव जंतु लोकमोशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक पॉइंट हुए जो इन्होंने सेल थ्योरी के अंतर्गत रखे थे। इसके बाद एक पॉइंट और बताना चाह रहा था मैं कि ये सभी सेल्स डिवाइड करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम बिरचू ने कहा कि सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी सेल्स पहले से उत्पत्ति सेल से उत्पन्न होती है, तो इसको कहा गया सेलुला ई सेलुला।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही सेल उपस्थित सेल से ही नई सेल की उत्पत्ति होती है। खासकर हम जानते हैं जब भी कोई सेल रिप्रोडक्शन करती है तो पेरेंटल सेल होती है जिसके डिवीजन से दो सेल्स बनती हैं, वो ऑफस्प्रिंग सेल्स होती हैं। तो आर विश्यू नाम के साइंटिस्ट ने इस बात को उन्होंने कहा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम एक्सर्शन की, अपवाद की। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। अपवाद मींस हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस पर सेल लागू, सेल का नियम लागू नहीं होता, जैसे वायरस। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका कोई दूसरा होस्ट ना हो, केवल एक ही होस्ट पर अपना जीवन बिताता हो, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी उसके पास दूसरा ऑप्शन ना हो, जैसे हमारे पास है, हम हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी रह सकते हैं, यानी समय के हिसाब से हम अपने को बदल सकते हैं, वो हमारा हम होगी फैकल्टेटिव। तो यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी जिसका केवल एक ही लाइफ जी सकता है, दूसरे पर लाइफ नहीं जी सकता, ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरी बात करते हैं, वायरस है क्या? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब ये हो गया कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के और कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के पाए जाते हैं। जब ये फ्री फॉर्म में रहता है तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म किसी सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है तो ये लिविंग फंक्शन शो करता है, रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑफस्प्रिंग तैयार करता है। ऑफस्प्रिंग जब तैयार हो जाती हैं तो नए सेल्स पर अटैक करती हैं, तो लिविंग लाइफ जीता है किसी सेल्स के अंदर और नॉन लिविंग लाइफ जीता है सेल्स से बाहर एनवायरमेंट में। ठीक, तो वायरस जो है इसके अंदर कमी होती है प्रोटोप्लाज्म की, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये दोनों करैक्टर जो हैं सेल्स के हैं, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ना होने के कारण इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज, इसकी मशीनरी जो होती है आरएनए पॉलीमरेज जिसके द्वारा ये डीएनए मल्टीप्लाई करते हैं, आरएनए मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी कमी होती है। इसलिए अपनी मशीनरी की एब्सेंस के कारण वो दूसरे लिविंग सेल्स के अंदर एंटर करता है, जहां उनकी मशीनरी का यूज करके वो रिप्रोडक्शन करता है। तो ये आपका वायरस है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म की एब्सेंस है और न्यूक्लियस की एब्सेंस है, इसलिए ये सेल थ्योरी के नियम को फॉलो नहीं करता। इसके बाद दूसरे हैं राइजोपस वाउचेरिया। राइजोपस वाउचेरिया, राइजोपस और वाउचेरिया फंगस, ये आपकी म्यूकस के अंतर्गत आता है फंजाई, ये भी है फंजाई। तो इसमें ये है सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक कंडीशन पाई जाती है, सीनोसाइटिक कंडीशन मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। सीनोसाइटिक कंडीशन कब पैदा होती है? जब कोई सेल डिवाइड तो करती है लेकिन उसमें कभी भी सेप्टा फॉर्मेशन, सेलुलर फॉर्मेशन नहीं होता, केवल न्यूक्लियस डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण ऐसी सेल लास्ट में बनती है जिसे मल्टी न्यूक्लिएट रह जाती है। ओके, तो आपका ये अपवाद है सेल थ्योरी का। इसके बाद बात आते हैं हम सिंसाइजियम। ये पाई जाती है इन एपिडर्मिस ऑफ राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म मींस एस्केरिस। राउंड वॉर्म की एपिडर्मिस में सिंसाइजियम कंडीशन पाई जाती है।
ये भी सिंथेसिस कंडीशन जो है ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसमें सेल्स फ्यूजन हो जाता है जिसके द्वारा सभी प्रकार की सभी सेल्स का प्रोटोप्लाज्म एक सेल्स के अंदर आ जाता है और साथ ही साथ सभी प्रकार के सबके इंडिविजुअल न्यूक्लियस जो होते हैं सब एक साथ आ जाते हैं। इसलिए एक बड़ी सेल्स बनती है जिसके अंदर सभी सेल्स के न्यूक्लियस एक साथ आने के कारण ही मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन पैदा होती है। ये आपकी सिंथेसिस हो गई। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, जैसे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स जिसके अंतर्गत एक एग्जांपल है सीड ट्यूब। सीड ट्यूब प्लांट्स में, इन प्लांट्स सीड ट्यूब जो होती है सेमी चालिंग छलिंग टाइप की होती है। तो ये ट्यूब नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। इस ट्यूब के साथ में एक सेल्स होती है जिसे कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स ये आपकी सी ट्यूब है। तो दोनों सेल्स पास होती हैं। कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सी ट्यूब के फंक्शन को भी, यानी कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस जो है अपनी सेल्स को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ सी ट्यूब के भी ट्यूब को भी कंट्रोल करता है। और इन दोनों सेल्स की उत्पत्ति जो होती है एक ही सेम मदर सेल्स होती है, सेम मदर सेल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमेल्स। मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमेल्स इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंस हो जाता है, इसलिए मेमेल्स की जो आरबीसी होती है वो आपकी राउंड ना होकर के बीच में कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस प्रकार। ओके, तो ऐसे न्यूक्लियस की एब्सेंस के कारण इसका रीजन ये माना जाता है कि न्यूक्लियस की एब्सेंस से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके स्थान पर आ जाए। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्सरसन और हैं। क्या है, एक्सेप्ट ऑफ दो मेमल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लामा और कैमल। कैमल और लामा के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन अपवाद जो सेल थ्योरी को लागू नहीं करता। वायरस इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। राइजोफाइट बैक्टीरिया सिनोसाइटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, जबकि हमने सेल थ्योरी के अंदर ये बात करी थी कि वहां पर एक न्यूक्लियस ही होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, सिंथेसिस यही मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, सेल्स सिंगल प्रोटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस वाली नहीं होती। नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स ये अपवाद है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। या कह सकते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, या कह सकते हैं हम सेल प्रिंसिपल। सेल थ्योरी, इससे पहले जो सेल थ्योरी पढ़ी थी उसको मॉडिफाइड किया गया, उसमें कुछ बातें और डाली गई, जैसे ओमनी सेलुला ए सेलुला फिर एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होती है वगैरह वगैरह। ये पॉइंट सेल थ्योरी के अंतर्गत नहीं था, विर्चू ने कहा था वो बाद में ऐड किया गया। तो इसमें जो जो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है सेल जो होती है सेम होती है मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली।
मतलब वो होगा मॉर्फोलॉजी के लिए लगभग सिमिलर और फिजियोलॉजी यानी मेटाबोलिकली सिमिलर। दूसरा पॉइंट है कि सभी जीव जंतु की जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें वो डिपेंड करती हैं ड्यू टू सेल इंडिविजुअल यानी जो सेल्स की अपनी एक्टिविटी है फंक्शन है वही डिपेंड करते हैं उसी के द्वारा ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पहचानी जाती है। ओके नंबर थ्री इन्होंने जो सेल थ्योरी में बात थी सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये बात सेल थ्योरी में लागू नहीं की गई थी, बिर्जी ने अलग से कही थी ये बात, तो बाद में इसको ऐड किया गया। और क्या बात थी स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन लार्जर सेल्स जो छोटी सेल्स होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है लार्ज सेल की अपेक्षा। जैसे चूहा है इसने चूहा और हाथी की बात करें तो जो रेट है वो ज्यादा एक्टिव होता है फुर्तीला वाला होता है हाथी की अपेक्षा। तो आपकी आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेल साइंस। आज यही टॉपिक स्टार्ट बंद करते हैं अपना और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ये लेक्चर्स को आपकी समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो लिंक पर आप भेज सकते हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर बटन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा नई वीडियो वो आपके नज़र आए पैसा। धन्यवाद।